अप्रैल 2020 में अपने शादी में सब्यसाची का लहंगा पहनेंगी आलिया भट्ट। रिपोर्ट। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कथित तौर पर 2020 की गर्मियों की शादी का इंतजार कर रहे हैं और एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार आलिया पहले ही डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के साथ अपनी शादी के लहंगे का ऑर्डर दे चुकी हैं। आलिया भट्ट ने व्यक्तिगत आयोजनों के लिए और फिल्म प्रमोशन के दौरान भी सब्यसाची कृतियों का पक्ष लिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा जैसी सब्यसाची दुल्हन बनने का फैसला किया है, लेकिन बाद में और भी बहुत कुछ किया है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अभी कुछ समय से डेटिंग कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने कभी भी अपने रिश्ते की स्थिति की पुष्टि नहीं की है। दोनों अभिनेताओं ने कई साक्षात्कारों में समझाया है कि वे एक दूसरे के लिए विशेष हैं। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कथित तौर पर जल्द ही शादी करने के लिए तैयार हैं, जब रणबीर के पिता ऋषि कपूर अपने कैंसर के इलाज के बाद भारत लौट आए। एक सूत्र ने पहले INS को बताया कि ऋषि कपूर घर आने के लिए उत्सुक हैं क्योंकि उनके पास शादी की योजना है। आलिया भट्ट ने कई मौकों पर सब्यसाची साड़ी, सूट और लहंगे को चुना है। यहाँ इस बात का प्रमाण है कि आलिया भट्ट और सब्यसाची फैशन वर्ग में बने मैच हैं। सब्यसाची मुखर्जी ने कई बॉलीवुड सेलेब्स के लिए शादी की जोड़े को सिलवाया। नवंबर 2018 में दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह के लिए अपनी सिंधी शादी के लिए सब्यसाची लहंगा पहना। उनकी कस्टम निर्मित सौभाग्यवती भव दुपट्टा शहर की चर्चा थी। इससे पहले सब्यसाची ने उनकी कुंकणी शादी के लिए बेंगलुरु के अंगड़ी गलेरिया से एक साहब को फिर से काम पर रखा था।